जो है एक रॉड होता है जो कि इंसुलेटर होता है

निक्रोम या या निकल निकल क्रोमियम को यूज करके बनाया जाता है सिल्वर के लिए सिल्वर के भी अलॉयस यहाँ पे बनते हैं टंगस्टन वायर स्पेसिफिकली तब यूज होता है जब हाई टेम्परेचर की पॉसिबिलिटी हो मतलब जिस सर्किट में इसे डाला जा रहा है वहां पर हाई रेजिस्टेंस आ रहा है जिसकी वजह से हाई थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है तो हीट जहाँ ज़्यादा जनरेट होगा तो जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं टंगस्टन वायर का जो कैपेसिटी है हीट होल्ड करने का वो बहुत ज़्यादा है तो जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस या ज्यादा हीट जनरेशन हो रहा है उस सर्किट में हम टंगस्टन वायर वाले वायर वाउंड रजिस्टर को यूज करते हैं सेकेंड थिंग इसका जो ये रॉड होता है जिसके अराउंड ये रैप किया जाता है वो सिराम क्ले से बनता है बैकलाइट से बनता है इसके कोई भी ऐसा इंसुलेटर चाहिए हमें जो कि स्ट्रांगली इस वायर वाउंड को होल्ड कर सके जो वायर इसके अराउंड रैप किया गया है उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रह सके इंसुलेटर इसलिए चाहिए इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज लेट मी क्लियर इट अप यहाँ पर इंसुलेटर के अराउंड इसलिए रैप होता है ताकि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रॉड में ना जाए क्योंकि रॉड अगर कंडक्टिव हो जाएगा तो रॉड के अंदर सारा करंट फ्लो करेगा और करंट जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पर रेजिस्टर है ना उसका काम है रेजिस्ट करना तो रेजिस्ट करने के लिए हमारा जो ये रॉड है जिसके अराउंड ये वायर रैप किया जाता है इसको हम इंसुलेटर रखेंगे वायर हमारा कंडक्टिव रहेगा विच विल प्रोवाइड यू द रेजिस्टेंस एंड इट इज कोटेड आउटसाइड विथ डिफरेंट लेयर टू प्रोटेक्ट इट इट्स वायरिंग इस वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बाहरी कोटिंग की जाती है इसका जो नॉर्मल ओमिक वैल्यू है वो वन ओम से टू हंड्रेड किलो ओम तक जाता है नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है कि जो रजिस्टर्स बन रहे हैं वो वन ओम टू टू हंड्रेड किलो ओम तक के ही बनेंगे वन टू फाइव हंड्रेड तक भी बन सकता है टू ओम तक भी बन सकता इट इज नॉट नेसेसरी कि टू हंड्रेड किलो ओम तक जाए बट मैक्सिमम रेंज इसका टू हंड्रेड किलो ओम तक का है और टेम्परेचर में ये थ्री फिफ्टी डिग्री सेल्सियस अपल्ड कर सकता है खुद को ऑल्सो वायर बाउंड जो है वो एक लौता ऐसा ओल्डेस्ट रजिस्टर है जो आज भी मैन्युफैक्चर होता है दैट मीनस मोस्ट ऑफ द ओल्ड रजिस्टर्स मैन्युफैक्चर बट दिस इज वन ऑफ द रजिस्टर दैट इज ओल्डेस्ट दैट इज वेरी अर्लियर एज पे इसका डिस्कवरी हुआ था इन्वेंशन हुआ था और उसके बाद से आज तक इसका कंस्ट्रक्शन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इसके अलावा इसमें जो है जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत हाई के साथ प्रोड्यूस किया, किया जा सकता है तो अगर आपके सर्किट में हाई पावर रेटिंग है तो इफ यू डू नॉट वांट टू पुट योर रेजिस्टर्स और योर सर्किट इनटू टू डेंजर ऑफ शॉर्ट सर्किट सो यू कैन यूज वायर बाउंड रेजिस्टर्स इसके अलावा यहाँ पर आपका जो वायर रेजिस्टर होता है इसमें ऑफन जो होता है इसका यूजेस क्या है सबसे बड़ा यूज इसका होता है ब्रेकर या फिर फ्यूजर की तरह सर्किट में ब्रेकर या फिर फ्यूजर की तरह अब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में और इसका यूज में बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि वायर बाउंड किया जा रहा है एंड मैं ये बता दूं अगर इसका वायर जो है वो खराब हो गया या किसी तरह डैमेज हो गया तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं आपको ये वायर वाउंड पूरा बदलना पड़ेगा बिकॉज द वायर दैट इज रैप्ड अराउंड इट इज वेरी टाइटली एंड वेरी एक्यूरेटली कंस्ट्रक्टेड तो अगर जरा सा भी उसमें जो है खरोच आ गया या गया या टूट कहीं से वायर तो वो वायर ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उसके ऊपर ऊपर उस के लगा सकते हैं। यू चेंज द वायर बाउंड रजिस्टर बट कैसे इसे ब्रेकर और फ्यूजर की तरह यूज किया जाता है ये देखिए कि इस वायर बाउंड रजिस्टर के साथ में एक स्प्रिंग लगा दी जाती है एक फ्लेक्सिबल स्प्रिंग लगाई दी जाती है जो कि फ्यूजिबल है यानी कि अगर जो रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा है सो इट विल अपहोल्ड दैट पोजिशन इट विल नॉट गेट डैमेज बट द फ्यूज दैट इज द स्प्रिंग अटैच टू दिस वायर बाउंड रजिस्टर विल बी

रजिस्टर के बिना नहीं बनता है बिकॉज ऑफ दैट ओनली माई टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन वॉज सॉल्व फॉर सर्किट्स सो आई होप इट वॉज क्लियर एंड थैंक यू सो मच